गाइज़ अस्सलामुअलैकुम, हुमा खान के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए कैसा गुथल फुथल कर रही है। और चांदनी क्यों गुथल फुथल कर रही हो, क्यों साफ सफाई तो करती नहीं हो, हैं? देखिए जब इसको डांटते हैं तो किस तरीके से बैठ जाती है। ये देखिए किस कदर की शैतानी कर रही है। अभी मैं चलती हूँ, देखिए गंदगी घर में हो रही है, अभी साफ सफाई करना है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सो के उठे हम लोग। तो ये देखिए ये कैसे चढ़ते हैं, खेलो जब तक, हम लोग और दूसरा काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है साफ़ सफाई चलेगी घर की। तो ये साफ सफाई चलती रहती गाइस। और ये देखिए अभी मैं खाना बनाऊंगी और बच गया एक, आज मैंने जल्दी नाश्ता कर लिया था। और ये देखिए अभी मैंने यहाँ साफ़ सफाई भी करनी है। और इनके अब्बा गए हैं टेरिस पे, और ये देखिए उनका पुराना काम चीलों को खाना खिलाना, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कोई भी ऐसा जानवर जो है भूखा रहे। तो मैं सोचती हूँ सही है, अच्छी बात है, जितनी केयर करना है कर लीजिए, यही साथ जाएगा और कुछ नहीं। तो मेरे हस्बैंड ऐसा करते हैं कि कोई भी जानवर भूखा ना रहे, नीचे डॉगी हैं उनको भी देते हैं, ऊपर भी देते हैं, इनको भी, सबको खिलाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से जानवर हैं जो भूखे रह जाते हैं और बेचारों को खाना नहीं मिल पाता। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि सब लोग अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी जानवर बेसहारा नहीं रहेगा और पेट भी उसका भरा रहेगा। ये देखिए आ नहीं रहे कौए चीले वगैरह आ नहीं रही है। अच्छा खिलाइए। देखिए कैसे कह रहे हैं, इधर से दिखा दो। तो ये खिलाते रहते हैं, ये देखिए ये अच्छा काम करते हैं, ये सवाब का काम है तो सबको करना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये ऐसे खिला रहे हैं। मैं थोड़ा सा काटने का सामान ले आई हूँ, काट लूँ और खाना बनाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर हो चुकी है और खाना मैंने बनाया नहीं है। तो मैं सोची खाना भी बना लूँ और फिर साफ सफाई करती हूँ और फिर नहा धो लूँगी, जो भी फ्रेश वगैरह होना है तो वो भी कर लूँगी अपना। तो चुड़ी उड़ेंगे सबको, मैंने खाना वाना मेरे हस्बैंड ने रख दिया, अब कोई भी भूखा नहीं है, सबका अपना खाना पीना हो रहा है। और मैंने सुबह जलाया था चूल्हा, आप लोगों को तो पता ही हूँ मैं चूल्हा जलाती हूँ, उस पर बनाया था। तो मैंने बनाई थी थोड़ी सी सेमई और चाय बनाई थी, और थोड़ा रेडीमेड था और पराठे थे। तो ये बनाया था मैं, सॉरी मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बनू के जल्दी जल्दी नाश्ता करके, मैंने अभी करा भी नहीं, आधी कप चाय पिए और मैं सो गई थी, जब से अब उठी हूँ क्योंकि इनके अब्बा गए थे, बच्चों के अब्बा खाना लेने के लिए, तो घर में कोई था नहीं, तो मैं भी सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे। तो अभी मैं दिखाऊँगी आप लोगों के काशू कहाँ सोया है, दिखाती अभी। देखिए गाइस काशु कहाँ सोए हैं, ये यहाँ कूलर, मैंने कूलर रख दिया है ना, तो ये कूलर पे सोए हैं। काशु अंदर नहीं सोगे, बेड पे नहीं सोगे, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि चांदनी डिस्टर्ब करेगी, चांदनी की वजह से ये यहाँ पे सो रहा है। चलो आ जाओ मेरे साथ, चलो ये नहीं सोएंगे, चलो यहीं पे फिर सो जाओ। अब इन ये उठेंगे 2:30 बजे, अब नहीं उठेंगे, आंखों में देखो ये कैसी नींद भरी हुई है, सो जाओ ये सो जाएंगे अब। तो ये सुकून की जगह पे यहाँ पे सो रहे हैं। ये चांदनी अभी भी इसको मार रही है, क्यों मार रहे हो चांदनी? और राजे क्यों परेशान कर रहे हो एक दूसरे को, नहीं मानोगे, सर भी फोड़ रहा है एक दूसरे का, खटखट की आवाज भी आ रही है। सही है, फोड़ लो, कर लो शैतानी। ये खूब यूट्यूब की फैमिली देख रही है आपकी, देखना कैसे गलत गलत कमेंट्स आएंगे जब पता चलेगा। और ये साफ सफाई तुम्हारे अब्बा करेंगे हैं, ये मार मुर के आए हैं, देखिए बहन है बाजी है, देख लीजिए कैसे मगरमच्छ बन गए। ये देखिए तो गाइज इन लोगों का तो ये सब चलता रहेगा, मैं जल्दी से बना लेती हूँ फटाफट से खाना। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दीजिए हुमा खान को इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।